हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट एक हेडिंग मैंने लिखा है और फिर यहाँ मार्क्स इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में इनके क्या मार्क्स रहे आउट ऑफ 100, ये यहाँ पे लिख रखा है। अभी हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खास किस्म का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगाएंगे, वो क्या है आइए बताता हूं। यहां पर इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा इन सारे को और फिर यहां पर आ जाइएगा, यहां पर आपको मिलता है डाटा बार्स, तो आपको जो भी ठीक लगता हो वो डाटा बार चूज कीजिए और यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैंने ये डाटा बार चूज किया, सबसे कम नंबर मतलब कम मार्क्स पाने वाले। अब कम का मतलब ये है कि देखिए ये डाटा बार्स काफी छोटा है, फिर ये जो है बड़ा है उससे, और ये सबसे बड़ा है, यानी 99 मार्क्स वाला डाटा बार आपको सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसका एक बेनिफिट देख सकते हैं आप, अगर मैं यहां पर 99 यहां पे जो भी मार्क्स रहा हो यहां पर अगर मैं 100 कर देता हूं, लाइक 100 करता हूं, ये देखिएगा 100 किया तो ये पूरा हो जाएगा, ये देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं। अगर मैं यहां पे हटाता हूं, देखिए यहां वाला हटाता हूं, ये जो 96 था इसको 7 कर देता हूं, देख रहे हैं तो ये डाटा बार कितना छोटा हो गया। अगर ये 100 है इसको 77 करूंगा तो ये देखिए ये डाटा बार कितना छोटा हो गया, देख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह का अगर कुछ आपको करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप की बात समझ में आई होगी, ये डाटा बार किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ये बात पता चली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।